सिट। तो तुम अपनी बहन को बोलो ना मुझसे बहस ना करे। एक सेकंड, मुझसे बात करने की सोचना भी ना। अगर बात करनी है तो अपने सो कॉल्ड पति से कर लो। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे कुछ भी बोलोगे कोई कुछ नहीं करेगा? मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी, मेरे सामने बिल्कुल नहीं। रणबीर, प्राची ये तू क्या कर रही है? इतनी सी बात पे इतना तमाशा? मुझे मत सिखा मैं क्या करी, मुझे पता है मैं क्या करी। क्या कर रही है? वो तेरी मदद कर रहा है और तू उसके साथ ऐसा कर रही है? उसे बस मैं सिखा रही हूँ क्या ना मेरे स्टैंड की कोई वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू है। वैल्यू करेगा तभी रिस्पेक्ट करेगा, वरना हीरो बनता रहेगा। प्राची मेरे हिसाब से ना ये स्टैंड और ये वैल्यू ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। मेरी नजर में तो वो सिर्फ तेरा ख्याल रखता है ना, और तू उसे रोक रही है। क्या बिगड़ जाएगा अगर वो दवाई लगा देगा तो? इस बात से डर रही है तू? बहुत मुश्किल से उसकी आदत छूटी है, दोबारा उसकी आदत नहीं लगानी, क्योंकि जब ये आदत टूटती है तो बहुत दर्द होता है। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दीदा। प्राची ओवर रिएक्ट कर रही है, पहले तो खुद का ख्याल नहीं रखा गया और जब रणबीर ख्याल रख रहा है तो तमाशा कर रही है। और तुम अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हो? मेरा बेटा है ही इतना अच्छा कि सबकी हेल्प करता है, यू नॉट स्पेशल। नहीं चाहिए किसी की अच्छाई, पहले फ्री में अच्छाई दिखाते हैं लोग फिर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। प्राची 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 खा के जाओ, खा के जाओ। खा के नहीं, मुझे लेट हो रहा है। तुम खा, चल चल खा लेना, प्लीज खाओ, निकल जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से बहुत दूर। तुम जैसी लड़की से मुझे नफरत है, नफरत करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी के। तू क्या कर रही है? बैठ बैठ बैठ। सर अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राची की फिक्र है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी वाइफ रिया की बहुत फिक्र है। आपको सच बताऊं तो सर, ये प्राची है ना, इसको रिया से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। इसको लगता है इसकी जिंदगी में जो भी चीजें खराब होती हैं वो सब रिया की वजह से होती है। तो जब प्राची का पैर चला मुझे लगा इससे पहले ये रिया को फिर से ब्लेम करे तो मैं जाके प्राची की जो चोट है वो ठीक कर देता हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपनी वाइफ की फिक्र करना या प्राची की मदद करना इज बिग इनफ तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। किसी की हेल्प करना क्राइम नहीं होता है, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या टेंशन चल रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे दो प्रेमियों के बीच नोकझोंक चल रही है। नहीं सर, ये दोनों लवर्स नहीं है। ही इज माय हस्बैंड, वो मेरे पति है। आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे लड़ रहे जैसे दो प्रेमी लड़ते हैं। खैर छोड़िए, प्राची जी आपको इस तरह की कॉल नहीं करना चाहिए था। आप लेडीज है इसलिए आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, वरना यूजलेस कंप्लेंट करके पुलिस का टाइम खराब करने के लिए आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती थी। आइंदा ध्यान रखिएगा और हो सके तो मिस्टर रणबीर से माफी मांग के झगड़ा खत्म कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। बिल्कुल नहीं लगता तुम सॉरी बोलो या अपनी गलती भी मानोगी तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज बहुत इजी कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से जो सारा मैटर है ना उसको खत्म करता हूँ। ओके रिया बेबी,
अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम खुश क्यों हो तो तुम अपनी बूजी को पागल तो नहीं समझोगी ना? बूजी पागल तो मैं हो ही जा रही हूँ। रणबीर ने सबके सामने कह दिया, प्राची के सामने कह दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, एंड दैट ही केयर्स फॉर हिज वाइफ सो मच। बूजी आपने सुना ना, सुना ना आपने क्या कहा उसने? हाँ मैंने सुना, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। पहले ना थोड़ी देर तो मुझे अपने कानों पर बिलीव ही नहीं हुआ कि वो ऐसा कह रहा है। मुझे यकीन तो प्राची को नहीं हुआ आपका, ना ही उसके कानों को और ना ही उसकी आंखों को। जब रणबीर ने सबके सामने कह दिया कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, तुमने सोचा था कि रणबीर कभी ऐसा बोलेगा? बिल्कुल नहीं बूजी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि रणबीर सबके सामने अनाउंस कर देगा, इनफैक्ट प्राची के सामने बोल देगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, और वो अपनी वाइफ की कितनी केयर करता है। स्पेसिफिकली बूजी वो आपने सुना ना जब उसने कहा कि प्राची का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ पे कोई भी इल्जाम लगा, और वो लगाती बूजी, वो लगाती, और उसने स्पेसिफिकली कहा वो अपनी वाइफ को हर्ट नहीं करना चाहता। बूजी गॉड, आई रियली कांट बिलीव इट। मैं आपको कैसे बताऊं बूजी, रणबीर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, और मैं पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही थी। जस्ट इज इट अ ड्रीम? No, just pinch me. Is it a dream? क्या ये कोई सपना है? Just pinch me, बूजी, please. Ouch! काफी जोर से किया आपने. It's not a dream. कितने सालों बाद तुम्हें इतना खुश दिख रही, नजर ना लगे तुम्हें? बूजी, नजर शायद मेरी ही लग जाएगी। भी मेरी कितनी केयर करता है, really cares for me. मुझसे प्यार करता है, और मैं भी ना मुझे देर से ही सही, पर रणबीर अब मेरा हो गया, इज माय। अरे वाह, बहुत जल्दी घर के काम सीख लिए। घर के काम में सीखना क्या है, वो तो सबको आने चाहिए ना, काम ही आते हैं उनके। काम तो आ ही रहा है। नीति कहाँ है? वो जूस लेकर आ रही है। तुझे क्या हुआ है? काम भी कर रही है और परेशान भी दिख रही है। वो आज मेरा ऑफिस है ना, मुझे जाना होगा, पर आज तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूँ कि लोहड़ी के अगले दिन ना छुट्टी जरूर होनी चाहिए। अब पूरी रात जश्न मनाने के बाद अगले दिन किसका मन करता है काम पे जाने का, है ना? रियली बेटा, कल रात जश्न ही मनाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जिया, यू लुक सो फ्रेश। मैं बहुत ज्यादा खुश लग रही हूँ ना? ऑफ कोर्स, कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। ऑनेस्टली मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा खुश ना लगूं। इनफैक्ट रात को ना मैं अपनी खुशी को इतनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैं रात भर सो नहीं पाई, अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। व्हाट टू डू मम्मी? थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप लोहड़ी मेरे लिए बहुत ही यादगार मनाएंगी, मेरे लिए सबसे बेस्ट लोहड़ी होगी। सच बताओ तो पहले मुझे लगा कि ये मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट लोहड़ी है, लेकिन बाद में लगा कि इससे ज्यादा मेमोरेबल हो ही नहीं सकती। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट लोहड़ी थी। मुझे पता नहीं था कि रणबीर को मेरी इतनी फिक्र है। इनफैक्ट लोगों को रणबीर का बिहेवियर तमाशा लग रहा था, पर उसने जो कुछ भी किया सब मेरे लिए किया। उसे मेरी इतनी फिक्र है, वो कितनी परवाह करता है मेरी। एंड ऑनेस्टली मम्मी, आई फील सो गुड, आई वाज सो हैप्पी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रणबीर मुझसे इतना प्यार करता है, मेरी इतनी केयर करता है। 16 सोमवार का व्रत तो नहीं रखा है मैंने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी और के 16 सोमवार के व्रत मुझे लग गए। व्रत ही लगे, बस किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी मुझे। इनफैक्ट आपको पता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे कब महसूस हुई? जब रणबीर ने मुझे बेबी कह के बुलाया, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। इससे ज्यादा खुश मैं लाइफ में कभी नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत बहुत शर्म आ रही है। आई एम जस्ट टू हैप्पी।
रणबीर, कल रात को जो हुआ वो तुम्हें याद भी है या सब भूल गए? अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? अभी तुम इतना खुश हो कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम्हें ऐसे ही आना चाहिए। चलो ये खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया प्यार से। खाओ 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 बेबी, come on have it. Nice, good job baby. सच में रिया खुश कितनी अच्छी लगती है। दीदा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो। नाश्ता तो करके जा पुत्र। नहीं बाद में कर लूंगी, मैं चलती हूँ। क्यों, कहाँ लेट हो रहा है? कोई ऑफिस ऑफिस ज्वाइन कर लेगा तुमने? तुम अपने बेबी से मतलब रखो ना, मुझसे क्या लेना देना? मैं कुछ भी करूँ, खाऊं पीऊं, ऑफिस जाऊं, मंदिर जाऊं, लाइब्रेरी जाऊं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं सच बताऊं प्राची, तो मुझे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं, बट मैं डरता हूं। तुमने जैसे घर पे पुलिस वालों को बुला लिया था, क्या पता तुम फिर से बुला लो, और इस बार क्या कंप्लेंट करूंगी। मैं अपनी प्यारी सी वाइफ को तुम्हारे सामने बेबी बोल रहा हूँ। कुछ भी नहीं। अगर तुम पुलिस को बुला सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पैर पे दवाई लगाई, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी है ना बेबी। दीदा मैं चलती हूँ, पहुंच के आपको कॉल करूंगी। अच्छी मैं भी चलती तेरे साथ, पर अगर ऑफिस नहीं गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं आई नो, बाय बाय दीदा, मैं आपको फोन करूंगी वहां से। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? सी यू। तू कहाँ जा रहा है? अरे मुझे आपकी दवाई लेने डॉक्टर के पास जाना है, वो दवाई लेके मैं आपको दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। ओके राइट, थैंक यू बेटा। थैंक यू मॉम, बाय, जल्दी आना। बाय। रणबीर बदल रहा है। हाँ आई कैन सी दैट। पता नहीं कौन से स्टार्स बदल गए जो रणबीर इतना बदल गया। रणबीर ने फिर से मुझे बेबी का इसका बदला हुआ रूप ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं यहाँ पे दवाइयाँ लेने आया था, तुम यहाँ क्यों? मैं भी यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम प्रेग्नेंट हो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो तुमने भी पूछा मुझसे। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे मिली ना, इसीलिए। तुम भी तो मुझे यहाँ मिले, उस हिसाब से मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ। डॉक्टर मधु, आप प्लीज मुझे बताएंगी कि आप अभी थोड़ी देर पहले प्राची को चेक कर रही थी ना, आप प्लीज मुझे बताएंगी कि ये प्रेग्नेंट है? आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ उसको, प्लीज आप बताइए ना, प्राची प्रेग्नेंट है क्या? प्लीज बोलिए, मेरी वाइफ है, मेरा हक है जानने का, बताइए ना ये प्रेग्नेंट है? तो आप ये बात अपनी वाइफ से ही क्यों नहीं पूछ लेते? आप बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखिए मिस्टर रणबीर, आई एम सॉरी, वो मेरी पेशेंट है और वो मुझसे क्या ट्रीटमेंट ले रही है, यहाँ पे क्यों आई है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। अगर फिर भी आपको जानना है तो वो आपके सामने है, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। रणबीर, सच बोलने की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी, शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो हमेशा से सच ही बोलती आ रही, और सच बोलने के साथ साथ सच सुनना, सच मानना, सबकी आदत डालो, क्योंकि ये आदत तुम्हें है। एनीवे सच हो या झूठ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं। मुझे बात करनी है यार,
कुछ बातें जानने का हक है मेरे पास। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? मेरे सारे हक तो तुमने अपनी रिया को दे दिए, तो जो भी बात करनी है अपनी रिया से करो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों तुम रिया को बीच में लाके कॉन्वर्सेशन खत्म करना चाहती हो? क्यों? अभी रिया है यहाँ पे नहीं ना, अभी हम दोनों है ना, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द ट्रूथ? जो भी बात है ना डॉक्टर के सामने उनके कैबिन में कर चुकी हूँ, और कुछ नहीं है बताने को। और किस हक से ये पूछ रहे हो तुम? तुम किसी भी चीज के लिए, किसी बात के लिए, जवाब के लिए ऐसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोई डिमांड नहीं कर सकते। मेरे पास कोई हक नहीं है तुमसे बात करने का, और तुम्हारे पास सारे हक है मेरे से बात करने का। तुम मुझे आके कुछ भी बोल सकती हो, कुछ भी सुना सकती हो, चाहोगे तुमको? क्यों 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 ये सब कर रही हो तुम? क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रही हो? घर पे ड्रामा, बाहर ड्रामा, हर जगह ड्रामा, क्यों इतना शोर क्यों मचाने लग गई हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? किसी को परेशान करेगा तो शोर तो मचेगा ही ना रणबीर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं बात नहीं करना चाहती तुमसे, मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे डर लगता है बात करने से। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ प्राची, यहाँ पे मैं तुम्हें परेशान करने भी नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पे तुमसे सच जानने आया हूँ। सच 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 की रट लगाए बैठे हो। जो भी है ना मैंने बता दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है बताने को, और ये बार बार पूछने से क्या हो जाएगा? बात बदल जाएगी, जवाब मेरा बदल जाएगा। जस्ट बिकॉज तुम्हें चाहिए तो मैं झूठ बोलूं? तुम झूठ मत बोलो, पर क्या तुम एक बारी के लिए वो बोल सकती हो जो तुम्हारे दिल में है? मैं तुम्हारे साथ अपने दिल की बात क्यों शेयर करूं? तुम मेरे लगते क्या? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ, और मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। मुझ पर जो सारे हक थे तुम्हारे, जिस दिन तुम्हारा घर छोड़ के चली गई थी ना, उसी दिन वो सारे हक खत्म हो गए थे, चले गए थे। हक चले गए थे? अगर हक तुम्हारे सारे चले गए थे तो तुम वापस किस हक से आई? किस हक से वापस आके तुमने मेरे बेडरूम को अपना बेडरूम बना लिया? किस हक से तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी बोलती हो, और मेरे पापा को अपने पापा बोलते हो, मेरी दीदा को अपनी दीदा बोलते हो? क्यों? किस हक से? अगर तुम्हारा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है तो मेरी फैमिली पे, मेरे बेडरूम पे, मेरे घर पे, हर चीज पे तुम्हारा हक कैसे है? जो भी बात है बता चुकी, अब इसे सच मानना है या झूठ मानना है तुम्हारी मर्जी, आई डोंट केयर। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए दे सकती हो? आई मीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहाने आई हूँ, रात को किचन में नहाने का मजा ही कुछ और है। अब यहाँ आई हूँ ना तो डेफिनेटली यही कुछ काम होगा, बेकार के सवाल क्यों कर रही हो? अच्छा है, कुछ टाइम यहाँ किचन में भी स्पेंड कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारा आधा से ज्यादा टाइम तो ड्रेसिंग टेबल के सामने मेडिसिन खाते हो जाता है ना? वैसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैंने कई बार तुम्हें मेडिसिन लेते हुए देखा है। मुझ पे नजर रखी जा रही है, पर थैंक गॉड मेरी दवाई पर इसकी नजर नहीं पड़ी, वरना इसे पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। क्यों लेती हो वो मेडिसिन? आई थिंक आई नो, सुंदर दिखने के लिए नहीं, लॉन्ग नेल्स के लिए, सॉफ्ट यंग स्किन के लिए, लंबे लंबे बालों के लिए, है ना? ये सब तुम इसलिए करती हो ना ताकि तुम रणबीर के सामने सुंदर लग सको। उसका कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा कोई ट्रिक, कोई मैजिक, कोई जादू मंत्र और ना ही ये मेडिसिन सब कुछ काम में नहीं आने वाले, और ना ही मुझे और रणबीर को एक दूसरे से अलग कर सकती, क्योंकि रणबीर ने खुद मुझे अपनी बेबी जो बना लिया है। आई विश तुम मेरी बहन नहीं होती। मैं भी भगवान से यही तो बोलते आ रही हूँ जब से पता चला है कि तुम मेरी बहन। बचपन में जब बहन चाहिए थी तब भगवान ने भेजा नहीं, बड़ी होकर जब बहन नहीं चाहिए थी तो तुम्हें भेज दिया मेरी हर खुशी पर नजर डालने के लिए। अब मेरी किस्मत में रणबीर जैसा हीरा लिखा है तो तुम्हारे तरह कोयला भी तो है। यू नो व्हाट बूजी कहती है कि मैंने अपने पिछले जन्म में ना जरूर कोई मोती के दान किए होंगे तो मुझे रणबीर मिला, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे ये भी लगता है कि मैंने जरूर कोई बुरे काम भी किए होंगे जो तुम जैसी बहन मिली। काश हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स की तरह ना कोई लीगल प्रोसीजर होता दो बहनों का रिश्ता खत्म करने का। पूछती हूँ अपने लॉयर से, फैमिली लॉयर से, आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इतनी दुखी हूँ मुझसे, इससे भी ज्यादा तुम सोच भी नहीं सकती। यू नो व्हाट, 10 मिनट के लिए अगर इस देश में से कानून हटा दो ना तो मैं तुम्हें अभी मार दूं। पर जाने दो, इतना सब सुनने के बाद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी?
मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम कानून के हटने का इंतजार कर रही हो, पर कानून के रहते हुए भी तुम्हें तकलीफ पहुंचा सकती हूँ बहुत आसानी से। वो दर्द वो चोट दे सकती हूँ जिसके लिए इस दुनिया में कोई इलाज कोई दवाई बनी ही नहीं। एनीवे, ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड बेबी है ना, आज मिला था मुझे बाहर सुबह सुबह। मुझे देखे उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे अंदर बैठने का ऑफर दिया, मतलब लिफ्ट दे रहा था मुझे। एक काम करता हूं, मैं भी चलता हूं, ठीक है, सी यू। अब वो लिफ्ट दे रहा था या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था मुझे नहीं पता। ये पता लगा सकती थी मैं उसकी गाड़ी में बैठ के, पर मैंने ऐसा नहीं किया। देखो, एक अच्छी बहन होने का फर्ज मैंने तो निभाया अपनी तरफ से, तुम भी कोई फर्ज निभाओ, अपना घर बचाओ जो रेत का बना हुआ है, जरा सी ठोकर लगी तो सब खत्म। पर जितना भी टाइम है उसे एंजॉय करो, है ना। अरे बेबी के बेबी, तुम यहाँ भी आ गए, वेरी गुड, आ ही गए तो आओ बातें करो। इनफैक्ट मैं तुम्हारे बेबी से तुम्हारे बारे में बात करी थी, बताया मैंने कि कैसे इसके बेबी ने मुझे आज लिफ्ट ऑफर की अपनी गाड़ी में। ये जो बेबी वाली हरकत की है इसके बेबी ने, उसके बारे में बेबी को तो पता होना चाहिए ना, है ना बेबी। ओ गॉड, आई थिंक बहुत बेबी 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 हो रहा है ना, मुझे बोलते हुए भी दर्द हो रहा है। एनीवे, सो बेबीज, ये जो कुछ भी हुआ है आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर लो, है ना। दूध पियो, गुड फॉर हेल्थ, गुड नाइट बेबीज। सॉरी, मुझे बातें छुपाने की आदत नहीं है, जो सच है बोल दिया। अभी जो आदत है ना उसको बरकरार रखना, मेरी भी बारी आएगी। देखते मिनट के लिए अगर इस देश में से कानून हटा दो तो मैं तुम्हें अभी मार दूं। यू जस्ट डोंट स्पॉइल योर मूड, ओके, आई ट्रस्ट यू। क्या कर दिया मैं, करने कुछ और गई थी, बोलने कुछ और गई थी, कुछ और करके आ गई। नहीं पर ठीक है, आई थिंक मेरा काम हो गया। रणबीर के दिमाग से मुझे अपनी प्रेगनेंसी की बात हटानी थी सो हट गई। अब वो कुछ और ही सोचता रहेगा कि मैंने जो बात रिया को बोली वो क्यों बोली। पहली बार रिया मेरे किसी काम आई। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं यार। नो नो, ऐसा कुछ नहीं है डैड, नॉट द गुड, यू आर द बेस्ट। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो, तू नहीं होंगे। आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए पापा? किया यार, मानता हूँ किया है, लेकिन लेकिन जब तुझे मेरे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, जब तू प्राची को इस घर में लेकर आया, मैंने तुझे सपोर्ट नहीं किया यार। और ये बात मुझे हमेशा खलती रहती जब भी इसके बारे में सोचता हूँ, आई फील सो बैड यार। हमने तुझे सारी खुशियां दी, लेकिन जब तू अपनी खुशी हमारे घर लेकर आया तो हमने क्या किया? हमने
हमारी खुशी के बारे में सोचा। सो सॉरी यार। आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। आज की रात हम सब भूल जाएंगे। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। क्या कहा था आपने? पीने के बाद दिमाग शांत हो जाता है ना, दिल बहुत बोलता है। तो मिस्टर कोहली के साथ, एक छोटे मिस्टर कोहली, शराब पियेंगे और शराब पी के सब बुला दूंगा। ओके पगले, ऐसे नहीं होता है। अगर पहले से पी हुई होती है तो बात अलग है, लेकिन अभी तो तू होश में है। अरे तू क्या हो गया होश में? इसे पापा 2 सेकंड में गायब कर दूंगा। देखो मैं ये ना पी रहा हूँ, उसके बाद मेरे होश टांटा है, फिर इसे देखो। क्या है ये? क्या है, कैसे पी? तो होश गायब, सारे होश गायब हो चुके मेरे। क्या बात है, वाह! मेरा बियर पीने वाला बेटा आज अपने बाप के साथ विस्की पी रहा है। क्योंकि मेरे विस्की पीने वाले जो पिताजी हैं, उन्होंने अपने बियर पीने वाले बेटे को अपने साथ जो बिठाया, अब साथ बिठाया तो पीना तो पड़ेगा। चल अब इसी बात पे अपने लिए भी एक पैक बना। और सुबह सुबह चाय लेके आई थी, मैंने सोचा जब तुम उठ जाओगी तुम साथ में चाय पियेंगे। वैसे भी ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कम ऑन चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया है। तुम मेरे साथ चाय तो पी सकती हो। मेरा मन नहीं। क्यों? अगर तुम यहां पर हो तुम्हारा मन कहां है? क्या तुम ऐसी क्यों हो? तुम ऐसी क्यों? मैं कैसा हूं? तुमने शराब क्यों पी? मैंने शराब इसलिए पी ताकि मेरे सेंसेस खुल जाए, ताकि मेरा दिमाग वो सोच सके जो मेरी आंखों के सामने से छुप रहा है, मेरी आंखें वो देख सके जो मुझसे छुपाया जा रहा है, और मैं वो महसूस कर सकूं जो सामने वाला मुझे बताना नहीं चाहता। तो चाबियां तुमने छुपाई थी। क्या कह रहे तुम? इसका मतलब है ड्रॉर भी तुमने ही लॉक किया था। क्या कह रहे तुम? लीव माय रूम, जाओ जाओ यहां से। ये क्या है? क्या है? तुम्हारी किसी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। मैं जानता हूं
कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगी, इसीलिए मैं जवाब ढूंढ के लाया हूं। इंटरनेट के हिसाब से ये जो दवाई है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए काम आती है। कोई भी लड़की ये दवाई लेती है तो इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है।